अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन। एक कुछ साल से चल रहा था एक मन की बात का वक्त, और जब कोई भी नई सत्ता में आता है तो उसकी बात सुनने की बहुत उत्सुकता रहती है, क्यूरियोसिटी रहती है, तो हम भी वैसे ही क्यूरियस होके एक आध बात सुन लिए। लेकिन बाद में पता चला कि ये मन की बात नहीं है, इट इज लाइक मुंह में राम एंड बगल में छुरी। नफरत होने लगी वो वर्ड से, मन की बात। आज जब मुझे कुछ कहना है आने वाले इलेक्शन के ऊपर और मैं अपने मन की बात रखती हूँ, तो मैं हंसती हूँ अपने आप पर सोच के कि पता नहीं लोग क्या सोचेंगे और क्या उसका आकलन देंगे। लेकिन इस शॉर्ट बोलूंगी कि पहले जमाने में दो राजाओं के बीच की लड़ाई हुआ करती थी, और वो सत्ता के लिए, पावर के लिए, एक कंट्री को कैप्टिवेट करने के लिए। आज के जो ये सत्ताधारी बैठे हैं पिछले 10 साल से, ये प्रजा से लड़ रहे हैं, लोगों से लड़ रहे हैं। सो यू सी द डिफरेंस, ये सिर्फ अपने मफाद के लिए लड़ रहे हैं, और लोगों का इनको लोगों के अच्छे बुरे से कोई गरज नहीं है। जो भी इनको मिलेगा वो उसको अपने तरफ कर लेते हैं, यानी कि दुश्मन भी है तो वो दोस्त बन गया, लेकिन दुश्मन इज दुश्मन ओनली, यू कैन नॉट हैव मेक दैट पर्सन एज अ फ्रेंड। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि व्हेन यू गो टू वोट, रिमेंबर हु यू विल वोट, why you will vote, and what you will get out of this 5 years. Thank you, and I love this.